आज के ज़माने में जो वायरलेस चार्जिंग का कंसेप्ट है ना, वो धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनमें आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का कंसेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन जो वायरलेस चार्जिंग है ना, इसके साथ छोटी सी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो वायरलेस चार्जर जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं ना, वो है ची बेस्ड वायरलेस चार्जर और इनके अंदर आप दो कॉइल को यूज़ करते हो, यानी कि एक कॉइल जो रहती है वो चार्जर के अंदर रहती है और एक कॉइल जो रहती है वो फ़ोन के अंदर रहती है और चार्जर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं और ये जाती है फोन की कॉइल की तरफ, जहाँ पे दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होके फोन को चार्ज करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो वायरलेस चार्जर है ना, वो जो ट्रांसमिट करता है जितनी पावर, वो बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि जो चार्जिंग की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है और फोन को कंप्लीट चार्ज करने के लिए रिकमेंड भी नहीं किया जाता क्योंकि इसमें पावर लॉस ज्यादा होता है। कई बार वायरलेस चार्जर्स में हीटिंग भी हो जाती है और ये फोन को काफी धीरे धीरे चार्ज करती है, कई बार तो 100% तक चार्ज भी नहीं कर पाती। लेकिन पिछले कुछ समय से देखें तो कंपनी ने कुछ ऐसे फास्ट चार्जर भी बनाए हैं जिनके अंदर आपको 10 वॉट या फिर 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग की कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि जब भी आप किसी भी वायरलेस चार्जर के ऊपर अपने फोन को रखते हो तो आपके फोन को परफेक्टली अलाइन करना पड़ता है, यानी कि अगर आपका फोन थोड़ा सा सरक गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका फोन है वो चार्ज ही ना हो, और अगर चार्ज हो रहा है तो उसकी चार्जिंग की जो स्पीड है ना वो और कम हो जाए। और इस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने अपना एक एयर पावर अनाउंस किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि आप एक आईफोन को पूरी मैट पे कहीं भी रख दो और आपका जो आईफोन है ना वो चार्ज होने लगेगा, वो भी बिना किसी दिक्कत के। लेकिन रिसेंटली ये खबर आई कि जो एप्पल का जो एयर पावर प्रोजेक्ट है ना, पूरी तरीके से कैंसल हो गया है और इसके कैंसल होने का मेन रीजन ये है कि उन्होंने कई सारी कॉइल्स के साथ अपने एयर पावर में लगा के उसे टेस्ट कर रहे थे, जिससे ही हुआ कि उसके अंदर हीटिंग जो थी ना वो ज्यादा बढ़ गई, जिस तरीके से उस प्रोडक्ट को बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो देखा जाए तो ये चीज तो यहाँ फेल हो गई थी। लेकिन क्या हो कि आपको आने वाले समय में ट्रू वायरलेस चार्जिंग देखने को मिले, मतलब कि आपको किसी भी पैड के ऊपर अपने फोन को नहीं रखना, फोन आपकी जेब में ही रखा हुआ है और वायरलेसली चार्ज हो रहा है, मतलब कि आप अपने कमरे के अंदर एंटर हुए और आपके कमरे में एंटर होते ही आपका जो फोन है वो बिना किसी चार्जिंग पैड पे रखे चार्जर से कनेक्ट किए बगैर ही चार्ज होने लगा, तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल होने वाली है। क्योंकि एक कंपनी है जिसका नाम है एनर्जस, जो ऐसी किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है जो कि ची वायरलेस चार्जिंग का जो स्टैंडर्ड है ना उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि जहां ची वायरलेस चार्जिंग में आपको ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता था ना, यहां पे यूज किया जा रहा है आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज का, जो कि बेस स्टेशन से निकल के आपके डिवाइस तक पहुंचकर उसे चार्ज कर सकती है। मान लीजिए आपने अपने कमरे में बेस स्टेशन रखा हुआ है और उस कमरे में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग गया, और ये टेक्नोलॉजी 15 फीट की दूरी तक भी काम करती है, यानी कि अगर आपका फोन 15 फीट की दूरी पर है जो बेस स्टेशन है तब भी ये चीज काम करेगी। इसका मतलब ये कि आपने मोबाइल फोन को बिना किसी चार्जिंग पैड पे रखे उसे चार्ज कर पाएंगे, यहां तक कि अगर आपके पास कोई वायरलेस ईयरफोन वायरलेस हेडफोन है तो वो भी चार्ज हो जाएगा, और कोई लैपटॉप वगैरह भी अगर आप यूज कर रहे हैं ना तो वो भी वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ज्यादा इंप्रूव हो गई तो हो सकता है आप लोगों को अपने नए फोन के अंदर कभी बैटरी देखने को भी नहीं मिले, यानी कि अगर आप अपने कमरे में बैठे हो तो आपका जो फोन है ना वो बेस स्टेशन से ही पावर लेता रहेगा और आपके फोन के अंदर जो बैटरी की जरूरत है ना वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि जो वायरलेस ट्रांसमिशन की जो रेंज है वो थोड़ी कम है और जो पावर ये जो ट्रांसमिट कर पा रहा है ना वो भी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये चीज फ्यूचर में हो सकती है। यहाँ तक कि एक स्पाइगन एक कंपनी, उन्होंने एक ऐसा फोन केस बनाया था जो कि 2020 में रिलीज होगा, उसके अंदर ये दिखाया था कि आपका जो फोन है ना वो वायरलेसली चार्ज हो जाएगा और उसके अंदर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जैसा कंसेप्ट यूज किया गया था, और अगर आपके फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं है तो उसमें ये चीज ऐड कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यही है कि जो वायरलेस चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है ना अभी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है और इसके अंदर जो एनर्जी लॉस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर बेस स्टेशन से अगर आपका फोन थोड़ी ज्यादा दूरी पर हो गया ना तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा और हो सकता है कि आपका फोन इतनी तेजी से चार्ज भी नहीं हो। जैसे कि एक और कंपनी ने एक और प्रोडक्ट बनाया था मदर बॉक्स, जिसके अंदर आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फोन उस मदर बॉक्स से थोड़ा सा ज्यादा दूर भी हो गया ना तो जो पावर का जो ड्रॉप है वो कुछ ज्यादा ही होता है, यानी कि मिलीवॉट में आपके फोन को पावर मिलेगी। तो इस कैटेगरी में देखा जाए तो आपका जो फोन है ना वो बहुत ही ज्यादा स्लो चार्ज होगा, और कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि आपके फोन का जो बैटरी ड्रेन है ना वो कम हो जाएगा, यानी कि आपके फोन को चलाने में जितनी एनर्जी उसे लग रही है उससे कम पावर उसे मिल रही है, तो बैटरी ड्रेन की जो परसेंटेज होगा ना वो कम हो जाएगा। तो देखा जाए तो जो ट्रू वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी ना अभी भी डेवलपिंग फेज में है और आने वाले समय में आपको जरूर से ऐसी ट्रू वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है, और आपको फ्यूचर में डेफिनेटली ऐसे फोन्स देखने को मिलेंगे जिनको आपको कभी अपने चार्जर से कनेक्ट नहीं करना, किसी डिवाइस के ऊपर नहीं रखना, बस आपको उसके बेस स्टेशन के नजदीक जाना है और आपका जो फोन होगा ना वो ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेगा। यहां तक कि ये टेक्नोलॉजी आपको ब्लूटूथ ईयरफोन हेडफोन्स में और लैपटॉप्स में भी देखने को मिल सकती है, और आने वाले समय में हो सकता
आपको ऐसे पैड्स और केसेस भी देखने को मिलेंगे जिनसे आपके एग्जिस्टिंग फोन के अंदर ये टेक्नोलॉजी आ जाए। यानी कि अभी आप जो फोन यूज कर रहे हो सकता है उसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लेकिन एक केस है जिसका यूज करके आप अपने फोन के अंदर इस फीचर को ऐड कर पाओगे, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल होने वाला है। तो देखा जाए तो ये कुछ वैसे ही है जैसे कुछ साल पहले तक जो ची वायरलेस चार्जिंग थी वो काफी ज्यादा स्लो थी, लेकिन अब वो फास्ट हो रही है और ज्यादा से ज्यादा फोन में अब धीरे धीरे आने लगी है और धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। तो वैसा ही केस आपको ट्रू वायरलेस चार्जिंग के साथ भी देखने को मिलने वाला है, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी अभी काफी नई है, अभी किसी फोन में नहीं है। तो जब पहले ची वायरलेस चार्जिंग का कंसेप्ट थोड़ा पॉपुलर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फोन में आपको मिलना चालू हो जाएगा, तो उसके बाद हमें ट्रू वायरलेस चार्जिंग का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो अभी हमें ची वायरलेस चार्जिंग का ही वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रू वायरलेस चार्जिंग का वेट करें तो उसमें काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमें डेफिनेटली ऐसे फोन और ऐसे हेडफोन्स वगैरह सब देखने को मिलेंगे जो कि ट्रू वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते क्या आप लोग अपने नेक्स्ट फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग देखना पसंद करोगे या नहीं, तो ये बात कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।